राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जी दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दर्जी ऑनलाइन। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को साकार किया अजमेर के सेठा सिंह रावत ने। जो व्यक्ति खुद नौकरी की तलाश में था वो अब 100 लोगों को रोजगार दे रहा है। एक कमरे से काम शुरू करने वाले सेठा सिंह ने डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में अजमेर के सेठा सिंह का जिक्र किया। सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोविड आया तो रावत जी ने इस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ई स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया, जिसमें और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है कि उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा। सेठा सिंह का वेंचर अब फेमस हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे कांटेक्ट करती हैं। मन की बात में आने के बाद सेठा ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनकी कंपनी पर ऑथराइज्ड ब्लू टिक लग गया हो। देखते ही देखते दर्जी ऑनलाइन देश के 700 से भी ज्यादा जिलों में अपना काम CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से फैलाने में कामयाब रहा। मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर दिल्ली में हुए कॉन्क्लेव में सेठा सिंह रावत को भी बुलाया गया। रावत अभी और भी बहुत कुछ करने को तैयार हैं। अजमेर से दैनिक भास्कर के लिए भरत मूलचंदानी की रिपोर्ट।